नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पांच विशेष वनस्पतियों की विशेष जानकारी बताने वाला हूं। हर एक वनस्पति की दो दो औषधि प्रयोग बताने वाला हूं, बहुत ही खास औषधि प्रयोग बताने वाला हूं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अच्छा लगे जानकारी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज़ाना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी प्राकृतिक वनस्पतियों की लाते रहते हैं, आप लोगों की अच्छी सेहत को ख्याल में रखते हुए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पाँच प्राकृतिक वनस्पतियों की बताते हैं आपको विशेष औषधि प्रयोग। तो सबसे पहले शुरुआत है दोस्तों हमारे पहले प्राकृतिक वनस्पति जो कि है नीम। तो नीम के फायदे आप लोगों को आज दो महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो कि 100% आजमाई जा चुकी है और सत्य है, तो आप भी इसे आजमा करके खुश रह सकते हो हमेशा। तो मैं सबसे पहले स्त्रियों की ही समस्या को समाधान करने का औषधि प्रयोग बता रहा हूँ, जिस समस्या को लड़कियाँ स्त्रियाँ ना तो बता पाती हैं और ना ही छुपा पाती हैं। स्त्रियों का गुप्त रोग श्वेत प्रदर, जिसे सफ़ेद पानी आने की समस्या हो, वह नीम की छाल और बबूल की छाल दोनों बराबर मात्रा में ले ले और दोनों को काढ़ा बना करके 10 से 30 ml के बीच में सुबह शाम अगर पीती है कोई भी लड़की या महिला, तो उनका श्वेत प्रदर सफ़ेद पानी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और 2 से 3 दिनों में ही ठीक हो जाती है। तो आप इस सफ़ेद पानी या फिर श्वेत प्रदर की समस्या को इस तरह से बबूल और नीम की छाल को काढ़ा बना करके पी करके दूर कर सकते हो। और दूसरा प्रयोग है दोस्तों इसके बाद, वो है गर्भ निरोधक, यानि बच्चा पैदा ना होना। अगर आप गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करते हो, दाम्पत्य सुख का आनंद लेते हो, तो आपको भी कभी ना कभी ये चिंता लगा रहता होगा कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर इधर उधर हो जाने पर हमारी जो बच्चों की लेने की जो प्लानिंग है वह विफल हो जाएगा। तो इस तरह से सोच करके आप एक दूसरे से मिलन करने से भी डरते होंगे रात में, तो आप इस चिंता को भी हटा दीजिए। इस समस्या का भी समाधान है हमारे पास। अगर आप गर्भ ठहरवाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी और बच्चे ना हो, यानी आपके एक दो बच्चे हो चुके हैं और आप जीवन में अब दोबारा बच्चा नहीं लेना चाहते हैं दूसरा तीसरा, तो अच्छी बात है, आपको इसके लिए नीम की जो तेल है उसे लेना होगा। और नीम का तेल शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कंपनियों से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। तो नीम का तेल आपको शुद्ध कहाँ मिलेगा, जब नीम के पेड़ में फल लगेगा तो उसको इकट्ठा करके उसे धो करके सुखा करके उसकी गिरी से तेल निकलवाओगे या फिर निकालोगे, तब वो तेल आपको शुद्ध मिलेगा, नीम का तेल। तो यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली रहेगा। तो नीम के शुद्ध तेल को आप रुई के मदद से, मतलब रुई को नीम के तेल में डुबो करके उसे सहवास करने से पूर्व, मिलन करने से पहले, आप 10-15 मिनट पहले रुई को नीम के तेल में भिगो लीजिए। भिगोने के बाद योनि के अंदर रख दीजिए नीम तेल से भीगा हुआ रुई को, और इस तरह से 5-10 मिनट अंदर लगा रहने दें, उसके बाद उसे निकाल दें और सहवास करें। तो ऐसा करने पर आप यकीन मानिए और विश्वास कीजिए, आपको कभी गर्भ नहीं ठहरेगा और आप निश्चिंत होकर के आनंद ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इससे गर्भ कभी भी नहीं ठहरेगा, आप अजमा करके देख सकते हो। दोस्तों, अब हमारा दूसरे वनस्पति की औषधि प्रयोग है, जिसका नाम है निर्गुंडी का पौधा या निर्गुंडी का पेड़। तो निर्गुंडी के पौधे या पेड़ को आप लोग जानते होंगे, इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है इसे भी देख करके पहचान लीजिए, यहाँ पर भी आपको अच्छे से पहचान हो जाएगा। तो इस निर्गुंडी को पहचान के इसके 5 से 10 ml यानि 1 से 2 चम्मच इसके पत्तों का रस निकाल लीजिए, और इसमें 2 काली मिर्च और 2 चुटकी अजवाइन मिला करके सुबह शाम
गर्म गुनगुने पानी के साथ या सामान्य पानी के साथ ही आप इसे ले सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो इस तरह से करने पर आपकी पाचन शक्ति सुधर जाएगी और जठराग्नि तेज हो जाएगी और आपके उदर शूल पेट का दर्द किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, हर प्रकार की पेट दर्द का शमन होता है। अब इसका दूसरा प्रयोग सुन लीजिए, बहुत ही कमाल का, गजब का है, जिसका इंतज़ार सभी को है मेरे ख्याल से। निर्गुंडी के जो जड़ होता है उसे आप खोद लीजिए, यह जो पौधा पेड़ देख रहे हो इसके अंदर में जड़ होता है, सभी पेड़ पौधे के अंदर में जड़ होता है, तो उस जड़ को खोद करके निकाल लीजिए, अच्छे से साफ करके उस जड़ को पत्थर में घिस घिस करके उससे पेस्ट निकालिए और उस निकले हुए पेस्ट में हल्का सा घी मिलाइए। हल्का सा घी मिलाने के बाद उसे रात को अपने शिथिल अंगों में लगाइए। आप समझ सकते हो मैं किस अंग की बात करता हूँ, जिसका अंग ठीक से उठ नहीं पाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता है, नसों में जान नहीं है, बेजान पड़ा हुआ है, उस अंग में अगर आप रात को सोते समय लगाते हो और सुबह उसे गुनगुने पानी से धो लेते हो तो सिर्फ 2-3 दिन के बाद इतना ज़बरदस्त नसों में उत्तेजना आएगा, जान आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप खुद सो जाओगे, पहले से ज़्यादा स्फूर्ति से खड़ा होगा और काम डबल होगा। आप समझ सकते हो आपके शिथिल अंगों में फिर से नई जान डालने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इतना आप कर ही सकते हो। इसके जड़ को घिस करके घी मिला करके रात को लेप कर सकते हो, 2 दिन करके देखना, अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो लगातार करना, बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अब हमारा तीसरा वनस्पति है तंबाकू का पौधा। तो तंबाकू का पौधा जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, वे लोग इमेज में देख लीजिए, तंबाकू का पौधा इस तरह से होता है। अगर आप लोग नहीं पहचान पाते हैं, आपको नहीं मिल पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दुकान से जनरल स्टोर से आप खरीद करके ले आइए, तो जो तंबाकू खाने में काम आता है, जो चूना लगा करके या फिर गुटखा में डालते हैं, उसी तंबाकू को ले आइए और उस तंबाकू का औषधि प्रयोग कर लीजिए। तो आपको किस समस्या में कैसा औषधि प्रयोग करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई कोई लड़के या फिर बड़े बुजुर्ग को भी कभी कभी बहुत भयानक तकलीफ़ हो जाता है अंडकोश का, अंडकोश यानी जिनका जो अंड होता है वह बहुत ही तेज़ी से फूलने लगता है और फूल करके पानी भर जाता है, जिसमें दबाने से दर्द होता है, उस दर्द को सहने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पीड़ा झेलना पड़ता है। तो इस तरह के अंड वृद्धि को रोकने के लिए और उसका असहनीय दर्द को ख़त्म करने के लिए, अंडकोश की समस्या को समाप्त करने के लिए, आप इस तंबाकू के पत्तों को पीस करके हल्का गुनगुना गरम करके वहाँ पे प्रतिदिन लेप किया कीजिए सुबह शाम, तो आपको निश्चित रूप से अंडकोश की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और धीरे धीरे आपका अंडकोश सामान्य हो जाएगा। इसी तंबाकू का दूसरा प्रयोग है दोस्तों, अगर आप इस तंबाकू को पानी के साथ पीस करके उसे भी गरम गुनगुने करके अगर सूजन चोट मोच में लेप करते हो, वहाँ भी अगर पट्टी की तरह बांध देते हो, तो सूजन और चोट मोच का दर्द खत्म हो जाता है, सूजन 2 दिन में उतर जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को चौथा औषधि के पेड़ का औषधि प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो कि है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के 2 खास औषधि प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और आसानी से प्रयोग कर सकते हो। जामुन के सीजन में जामुन के पके फलों को रोज़ाना 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम तक अगर आप खाते हो रोज़ाना सुबह शाम, तो निश्चित रूप से जो पथरी के मरीज होते हैं उनकी पथरी गल करके नष्ट हो जाती है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, पथरी की समस्या से सिर्फ जामुन के फल खा करके मुक्ति पाया जा सकता है। यह आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग है, आप भी आजमा करके देख सकते हो, पथरी की समस्या को 100% ठीक कर सकते हो जामुन के सिर्फ फल खा खा करके। दोस्तों अब मैं आप लोगों को जामुन का दूसरा खास औषधि प्रयोग बता रहा हूँ, जामुन के छाल और जामुन की गुठली
दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर कर लीजिए। छाल को और गुठली को सुखा करके दोनों के पाउडर को 5 से 10 ग्राम यदि आप रोज़ सुबह शाम खाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो पेशाब में शक्कर जाने की समस्या है, शुगर की समस्या है, वह सामान्य हो जाएगी। आपका शरीर फुर्तीला तंदुरुस्त हो जाएगा और मधुमेह कंट्रोल में रहेगा। मधुमेह की यह अचूक औषधि है, इसे आप अपना करके देखिए। यह भी टेस्टेड है, आजमाया हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे पांचवे प्राकृतिक वनस्पति की ओर, जो कि बहुत ही खास है हर किसी के लिए। बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों हमारा पांचवा वनस्पति है बबूल। बबूल के पेड़ को कौन नहीं जानता, सभी लोग बबूल से परिचित हैं। तो मैं आप लोगों को बबूल की औषधि प्रयोग बताता हूँ। अगर किसी महिला, स्त्री, लड़की को रक्त प्रदर है यानी ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, तो इसमें आप बबूल के गोंद को और गेहूं को दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लें और 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर की समस्या ठीक हो जाती है, गिरने की समस्या बंद हो जाती है। अब इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, बबूल वीर्य विकार के लिए। बबूल की जो फलियाँ होती है उन फलियों को छाया में सुखा करके पीस लें, उनके बीज के साथ, अंदर में जो गिरी होता है, बीज होता है, उनके समेत उनकी फलियों को तोड़ लें, बबूल की फलियों को तोड़ लें और एक साथ उन्हें छाया में सुखा करके उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें, जो धागे वाली मिश्री होता है उस मिश्री को, और उसे डिब्बे में रख लें। अब उसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम जल के साथ नियमित रूप से लेने से 15 दिनों में वीर्य विकार का पूरी तरह से नाश हो जाता है और बल, वीर्य और पौरुष शक्ति बढ़ते रहता है, स्तंभन शक्ति भी बढ़ता है, आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो आप वीर्य विकार को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो बबूल की फलियों को चूर्ण बनाइए, मिश्री मिलाइए और खूब खाइए, बिल्कुल फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। इस तरह से मैंने 5 प्रकार की वनस्पतियों की विशेष जानकारी बता दी है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहिए। इसी तरह की और भी दमदार औषधि प्रयोग जानने सुनने देखने के लिए मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।